अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपका माइक म्यूट है। थैंक यू। मैं थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर देता हूँ चीजों को कि सीएसएस के अंदर तीसरे नंबर पर जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा फेल होता है बच्चों का वो है इस्लामिक स्टडीज। अमूमी तौर पे इसको नाम दिया जाता है इस्लामियात का। हमने अपने एकेडमिक कैरियर में भी इस्लामियात पढ़ा होता है, लेकिन जो सीएसएस है ना उसमें ये सब्जेक्ट है इस्लामिक स्टडीज, जिसकी उर्दू बनती है इस्लामी तालीमात। जो हमने इस्लामियात पढ़ी होती है ना वो इस्लामियात जो है बेसिकली एक किस्म की जनरल नॉलेज होती है। ईमान के कितने हिस्से हैं, अकायद क्या हैं, हमारे आखिरी नबी कौन है, वहदानियत क्या है, इस तरह की चीजें होती हैं। सीएसएस की जो इस्लामिक स्टडीज है उसमें ये चीजें भी शामिल हैं, लेकिन इससे एक्स्ट्रा इस्लाम की प्रैक्टिकलिटी बहुत ज्यादा शामिल है कि इस्लाम को अगर हमने नाफिज करना हो उसकी तालीमात से हमें क्या सीख मिलती है। और बहुत ज्यादा कोशिश होती है उसकी, चूंकि 7 सवाल आते हैं उनमें से 4 करने होते हैं बोथ इन सीएसएस एंड पीएमएस, तो उसकी कोशिश ये होती है कि 2 से 3 सवाल ऐसे जरूर दे जो कि कंटेम्परेरी इश्यूज जो हैं वो आपका पार्ट है सिलेबस का, कंटेम्परेरी इश्यूज जो हैं मुस्लिम उम्मा को और द वर्ल्ड एट लार्ज को जो हासिल लगे हुए हैं उनके ऊपर कोई इस्लामी हल, कोई इस्लामी तजवीज मिले उन्हें। अब इस सब्जेक्ट की जो खास बात है वो ये है कि ये उर्दू और इंग्लिश दोनों में किया जा सकता है। मैं खुद बजाते जब मैं खुद अपना पेपर अटेम्प्ट करता हूँ पेपर, तो मैं करता हूँ इंग्लिश में अटेम्प्ट, लेकिन इसमें कोई कैद नहीं है। आपको अगर उर्दू आती है तो उर्दू में कर ले अटेम्प्ट। इंग्लिश में करने का इसी वजह से है कि जब बाकी सारे पेपर इंग्लिश में कर रहे होते हैं तो ये भी इंग्लिश में कर ले। वैसे इसकी और कोई खास वजह नहीं, नंबर दोनों में अच्छे आने के चांसेस होते हैं, इंग्लिश में ये भी कर लें बेशक उर्दू में कर लें। इस सब्जेक्ट के मार्क्स हैं 100, जिसमें से 40 मार्क्स चाहिए आपको बोथ इन सीएसएस में भी और पीएमएस में भी। आपके 39 भी होंगे आप फेल हो जाएंगे। इन 100 मार्क्स के अंदर 80 होते हैं सब्जेक्टिव के और 20 होते हैं ऑब्जेक्टिव के, एमसीक्यूज के। तो एमसीक्यूज के ज्यादातर जो पार्ट होता है ना वो रिलेटिवली इजी होता है, इसमें से 12-13 नंबर लेना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने सब्जेक्टिव की सही तरह से तैयारी की है तो आपकी ऑब्जेक्टिव तैयार हो ही जाती है मैक्सिमम। बहुत रेयर चांस होता है, कुछ चीजें होती हैं जो आपने जिसको कह लें ना रटे वाली चीजें होती हैं, उनको रटना होता है कि हिजरत किस सन में हुई, हजरत सल्लम किस ईसवी सन में पैदा हुए, इस तरह की कुछ चीजें आपने याद करनी होगी। बाकी ऑब्जेक्टिव जो है वो आपकी सब्जेक्टिव से ही तैयार हो जाता है। ऑलमोस्ट सेम है, 80-90% सेम है। मैं भी आप सिलेबस के ऊपर आ रहा हूं। जो इस्लामिक स्टडीज का सिलेबस सीएसएस का है उसका एक मेन हेड है इंट्रोडक्शन, दूसरा है सीरा, तीसरा है ह्यूमन राइट्स एंड विमेन, चौथा है इस्लाम एंड वर्ल्ड, पांचवा है पब्लिक एड, छठा इस्लामिक कोड, ठीक है। ये मेन हेड है सीएसएस के। इसी तरह पीएमएस के में भी यही हेड्स है, सेम टू सेम यही 6 हेड्स है। तो आपका दोनों का सिलेबस 99% सेम ही है, उसमें थोड़ा सा फर्क है दोनों के सिलेबस के अंदर वो मैं आपको बता दूंगा। इसको उसी तरह उर्दू में कर ले, इंट्रोडक्शन टू इस्लाम है ये बेसिकली, अपना इंट्रोडक्शन नहीं लिखना, वो आपका नहीं पूछ रहा आप कैसे, इंट्रोडक्शन टू इस्लाम। अब ये वाला जो पार्ट है ना ये आप पढ़ते हैं आप अपनी एकेडमिक कैरियर के अंदर, सिर्फ
यहीं तक होता है आपका, बहुत ज्यादा चांस आ जाते हैं आप सीरा पढ़ लेते हैं, इससे आगे कुछ नहीं था। सीरत भी अगर आप पढ़ते हैं ना, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी आप इतनी की पढ़ते हैं कि जी बदर में 313 मुसलमान थे, हजरत सल्लम ने लीड किया उनको, फिर वो जी जो कैदी थे बदर के जंग के बाद, उनको कहा गया कि या आप तावान अदा करें या 70 मुसलमानों को बढ़ाएं। तो इससे ज्यादा सीरा हम नहीं पढ़ते, लेकिन सीएसएस में थोड़ा डिफरेंट होता है। अब ये बात आपको समझ आ गई, इस्लामियत सिर्फ यहां तक है, ये बाकी सारी इस्लाम इस तरह नमाज है, कलमा है, ज़कात है, हज है, वो चीजें पढ़ेंगे जो आपने अभी तक पढ़ ली है। नई चीज क्या होगी, अब सीरत के अंदर क्या ऐड होता है, सीरा के अंदर ऐड होता है हुज़ूर सल्लम की लाइफ, नॉट सिंपली के लाइफ, हुज़ूर सल्लम ने लाइफ गुजारी, वो हमारे पैगंबर थे, उनकी लाइफ एज ए टीचर, लाइफ एज ए पीस मेकर, लाइफ एज ए जनरल, लाइफ एज ए लीडर, एज ए पोलिटिकल लीडर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ये सारी चीजें आती हैं सीरत के अंदर। तो ये चीजें आपने अपने उसमें इस्लामियात में नहीं पढ़ी होती। इसी तरह ह्यूमन राइट्स और वीमेन के ऊपर नहीं पढ़ा होता, वीमेन के ऊपर बहुत ही कम पढ़ाया जाता है, हमारे जो आम इस्लामियात के टीचर्स होते हैं वो बिल्कुल नहीं पढ़ाते, क्योंकि उन्हें तो अजीब सा फील होता है कि वीमेन की बात की जाए। वो होते हैं ना जमात इस्लामी की वीमेन की, वो होती है कॉन्वोकेशन, तो 10 लोग मर्द बैठे बात कर रहे होते हैं औरतों के ऊपर, तो चूंकि उन्हीं में से हमारे इस्लामियात के टीचर होते हैं, वो ये तो पढ़ाते नहीं है बिल्कुल, ये सिलेबस का पार्ट है हमारे पूरे उसका, लेकिन वो नहीं पढ़ाते। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जरी बात है आपने पास नहीं होना। इस्लाम एंड द वर्ल्ड, ये आपका एक किस्म का करंट अफेयर्स कह लें, इस्लामी करंट अफेयर्स। तो लेकिन इस्लाम इसमें डिफरेंट है आम करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर की निस्बत। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक बड़ा अहम पार्ट है, क्योंकि आपने पार्ट, ये पार्ट जो है आपका जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट है ना, जिसने भी रखा है, या पॉलिटिकल साइंस का जिसने सब्जेक्ट रखा है, उधर भी ये काम आएगा, ये सवाल वहां पर भी काम आएगा। इसी तरह इस्लाम जो है वो आपको एसे में भी काम आएगा। इस दफा एसे आया हुआ था कि टेररिज्म एंड पोर्ट्रेयल बाय मीडिया एंड इट्स पोर्ट्रेयल बाय मीडिया, वो बेसिकली इसी का ही सवाल था आगे, या अगर इस्लामोफोबिया के ऊपर क्वेश्चन आता है तो वो इसी का ही पार्ट होता है। अच्छा, इस्लामिक कोड, अब इस्लामिक कोड है कि वो एथिक्स, वो चीजें जिसके ऊपर इस्लामिक सोसाइटी डिपेंड करती है, ये इस्लामिक सोसाइटी कायम है। अब इसके अंदर आ जाता है आपका सियासी निजाम, आपका समाजी निजाम, आपका माशरती निजाम, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम, इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम, सोशल सिस्टम ऑफ इस्लाम। अब पेपर सेटर जो होता है उसकी कोशिश होती है हर जगह से एक एक सवाल दिया जाए, किसी ना किसी जगह से, ये हैं 6 टोटल, 7 सवाल आने होते हैं। होता है ये कि कभी कभी वो इंट्रोडक्शन में से 2 सवाल दे देता है, कभी कभी सीरा में से 2 सवाल दे देता है, कोशिश उसकी ये होती है कि सब में से सवाल दे। लेकिन ये अब आपकी किस्मत कह लें या आपकी बुरी किस्मत कह लें, कि वो डिपेंड करता है कि किस तरह वो देगा सवाल। कई दफा वो सवाल देता है, सिंपल सवाल दे देता है कि अकीदा है आखरत के ऊपर नोट लिखें, लेकिन कई दफा वो सवाल देता है कि अकीदा है आखरत के ऊपर नोट लिखें और कैसे ये आज के नफ्सियाती मसाइल को खत्म कर सकता, ये चीज अब आपने नहीं पढ़ी होती। तो ये आपको सारी हम कोशिश करूंगा कि मैं जब आपको अकायद ही पढ़ाऊं ना, तो इस्लामियात के लिहाज से ना पढ़ाऊं कि मैं आपको रटवा दूं कि हाँ नमाज मोमिन की मेराज है और बात खत्म हो गई। नमाज मोमिन की मेराज है, इसका मतलब क्या है और इसका हमारी आम लाइफ में किस तरह एप्लीकेशन हो सकती है, वही बातें बेसिकली आप इस्लामिक कोड में भी लिखेंगे बाद में। इस सब के पढ़ाने का मकसद उनका ये है, क्योंकि इस पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, इस्लाम के जो पाकिस्तान का नजरिया है उसमें इस्लाम एक कलीदी हैसियत रखता है। तो अगर आपको इस्लाम का पता होगा तो आपको पाकिस्तान का ज्यादा पता होगा, और अगर आपने पाकिस्तान को चलाना है तो आपको इस्लाम का पता होना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ योर फेथ, योर फिरका और एनी स्कूल ऑफ थॉट यू बिलोंग टू। कुछ चीजें इसके अंदर कोई ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल बात नहीं आती, तो वो उन चीजों के ऊपर फोकस रहेगा इसका, कि जो हम सब में कॉमन है। हम सबको पता है कि हजरत अली की शुजात का, हमें सबको पता है हजरत अबू बकर की सदाकत का,
और हम सबको पता है हुजूर सल्लम की एक अमली नमूना जो है जिंदगी उसका, उसके ऊपर फोकस रहेगा। इसमें कोई कॉन्ट्रोवर्शियल बात मैं आपको भी कह देता हूँ मैं भी नहीं करूंगा और आप भी मुझसे नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा फोकस होगा पेपर में नंबर लेने पे। ठीक है, अभी इसमें किसी को कोई बात समझ ना आई हो, हम पढ़ेंगे ये सारी चीजें एक एक करके। हाँ, मैं भी बुक्स रिकमेंड करने लगा हूँ आपको वही। अब जो तो इंग्लिश में करना चाहते हैं उसकी बुक्स और हैं, जो उर्दू में करना चाहते हैं उसकी किताबें और हैं। किताबें दोनों ही अच्छी हैं, बस मसला ये है कि वो उर्दू में लिखी हुई हैं, वो इंग्लिश में लिखी हुई हैं। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं ना वो कर सकते हैं इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, बाय हमीदुल्ला। एक सेकंड, या इसी तरह इसी नाम से एक और किताब है बाय खुर्शीद अहमद। और एक है किताब करीम दाद चुगताई की, किताब ले ले वर्ल्ड टाइम की, कोई ई बुक ले ले, कोई भी की बुक हो सकती है वो, इस्लामियात इस्लामिक स्टडीज बाय करीम दाद चुगताई, या फिर सिंपली जो वर्ल्ड टाइम्स की आ रही है की बुक वो ले लें आप। ठीक है, कुछ चीजें हैं रट्टे वाली, ये जो किताबें हैं ये कंसेप्चुअल इस्लाम के ऊपर है, बेसिकली इंट्रोडक्शन टू इस्लाम बाय हमीदुल्ला, तो लिखी अंग्रेजों के लिए गई थी जब वो पाकिस्तान में बरेसगीर में उन्होंने कब्जा किया था, उनको समझाने के लिए इस्लाम। तो ये किताबें हैं कंसेप्चुअल, इसका ज्यादातर फोकस है इस्लाम एंड द वर्ल्ड पे वाले टॉपिक के ऊपर, इस्लाम कोड ऑफ लाइफ के ऊपर और ह्यूमन राइट्स के ऊपर फोकस है। जो चीजें हैं ना बेसिक इस्लामियात वाली वो सेम है, सबके लिए सेम होगी, कीदे आखरत के असूल क्या है, उससे क्या हमारी जिंदगी पे असर पड़ता है, नमाज का क्या असर पड़ता है, हज का क्या फायदे हैं और किस तरह होता है, वो सब हमारे लिए सेम है। तो आप किसी भी की बुक से वो कर सकते हैं। ठीक है, ये है इंग्लिश के लिए। जो उर्दू में करना चाहते हैं ना उसमें है खुर्शीद अहमद की इस्लामी नजर हयात, ये बुक काफी है, और साथ हुई करीमदाद चुगताई की उर्दू। हाँ, अगर एक्स्ट्रा आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जाना चाह रहे हैं तो खिलाफत और मलूकियत मौलाना मौदूदी की, नहीं इसमें क्या कॉन्ट्रोवर्सी है, मलूकियत, मलूकियत कहते हैं किंगशिप को, करीमदाद चुगताई होगी या फिर दूसरी सिंपल कौन सी, ये वाली दो के नीचे वाली दो, मौदूदी। ठीक है, इस्लामी नजर हयात खुर्शीद अहमद की, खिलाफत और मलूकियत मौलाना मौदूदी की, ये उर्दू के लिए। ये जो है इन दो में से कोई एक किताब आपने ले लेनी है, करीमदाद चुगताई की या वर्ल्ड टाइम्स की, दोनों लेने का कोई फायदा नहीं है आपको। इसी तरह इनकी इंग्लिश में भी पार्ट है, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है, वर्ल्ड टाइम्स की इस्लामिक स्टडीज की बुक या फिर करीमदाद चुगताई की इस्लामिक स्टडीज की बुक। हाँ, वो आपको एक लेनी है। हाँ जी, की बुक्स ऑलमोस्ट सेम होती है सारी। इंग्लिश वालों के लिए इंट्रोडक्शन टू इस्लाम बाय हमीदुल्ला, इसी तरह इंट्रोडक्शन टू इस्लाम बाय खुर्शीद अहमद, इस्लाम इट्स मीनिंग है, सॉरी खुर्शीद अहमद की किताब का नाम है इस्लाम इट्स मीनिंग एंड मैसेज। कुछ चीजें जो होती है ना वो रटे वाली होती हैं, वो रटे वाली चीजें जो हैं वो उलमा हजरात उसके ऊपर फोकस नहीं करते, क्योंकि वो खुद इसके अंदर कहले माहिर होते हैं और उन्होंने जिनके लिए किताबें लिखी होती हैं उनके जहन में ये बात होती है कि उनको इन बातों का पता है, उन्हें पता है कि तौहीद क्या है, रिसालत क्या है, उन्हें पता है नमाज क्या है, रोजा क्या, ज़कात क्या, तो वो चीजें उनके अंदर नहीं मिलती। उन टॉपिक्स को करने के लिए फिर हम वर्ल्ड टाइम्स की किसी भी की बुक या फिर करीमदाद चुगताई की बुक से कर लेते हैं। उसके लिए मैं ज्यादा बड़े आलिम की किताब इसलिए नहीं बता रहा आप लोगों को, क्योंकि वो टॉपिक चाहे उसने लिखा हो चाहे करीमदाद चुगताई ने लिखा, वो सेम ही होगा, वही आयतें वही हदीसें होंगी, क्योंकि वो बेसिक्स है ना इस्लाम की, वो तो चेंज नहीं हो सकती।
ये आके इंटरप्रिटेशन है उसकी, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, ये बेसिकली एनालिसिस है, तो ये जिसका भी अच्छा होगा आपने वो करना है। ये लिख ली है आपने किताबों के नाम? अच्छा, पेपर में आने से पहले कुछ थोड़ी सी बातें हैं जो बेसिक्स हैं जो चलती रहेंगी इस्लामिक स्टडीज के साथ, वो ये है कि एक सूरह माईदा की आयत है कि आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और इस्लाम को बतौर दीन तुम्हारे लिए पसंद कर दिया। इस आयत को बेस बना के आपने अपना पूरी इस्लामिक स्टडीज का तैयारी करनी है। क्यों? मैंने बतौर दीन इस्लाम को पसंद कर लिया और इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, मतलब ये है कि इस्लाम मुकम्मल हो चुके, आपने अब कोई नई चीज ऐड नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है? यही चीज आप लोगों पर भी होती है, आप नई चीज नहीं ऐड कर सकते, ठीक है? आपको ने वही करना है जो कुरान पाक में लिखा है, हदीस मुबारका में मौजूद है, या बड़े फिकही जूरिस्ट ने जो बात की है उसको आप कॉपी कर सकते हैं, अपना नहीं आपने ऐड करना। हाँ, एज इट इज कॉपी कर लें या उन्हीं के एनालिसिस को लिख दें आप खुद, अब बता के जी फलां ने एनालिसिस किया, उसमें कोट करने की जरूरत नहीं रहती। जिस तरह अगर मिसाल दूं मैं सैयद सुलेमान नदवी की, तो उन्होंने एनालिसिस दिया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह एक आलमगीर नबी है। उन्होंने कहा था कि एक ईसाई के लिए, एक बड़ा उनका खुतबा मशहूर है कि एक ईसाई हजरत ईसा अलैहि सलाम को एक बड़ा पैगंबर मान सकता है, और वो बड़े पैगंबर हैं भी सही, लेकिन क्या एक मिलिट्री जनरल हजरत ईसा अलैहि सलाम की जिंदगी से कुछ सीख सकता है? नहीं, वो तो 33-34 साल की उम्र में सूली पर चढ़ गए थे, मतलब अल्लाह ने उन्हें उठा लिया था और उनकी बॉडी सूली पर चढ़ गई थी। अच्छा, क्या एक अमीर शख्स हजरत ईसा अलैहि सलाम की चीजों को फॉलो कर सकता है? नहीं, हजरत ईसा अलैहि सलाम तो अमीर थे ही नहीं अपनी जिंदगी के अंदर। और इसी तरह क्या एक सियासी लीडर कर सकता है? वो भी नहीं कर सकता। अगर हम हजरत सुलेमान की तरफ आए या हजरत दाऊद की तरफ आए जो यहूदियों के बड़े पैगंबर हैं, तो उनकी भी जो मिसालें हैं वो बादशाहों के लिए फिट हो सकती हैं, वो जनरल्स के लिए फिट हो सकती हैं, लेकिन एक आम गरीब एक यतीम के लिए फिट नहीं हो सकती, ठीक है? ये उनका एनालिसिस है। इसी तरह हजरत सल्लम की वो वाहिद जात है, वो चाहे कोई एक मिलिट्री जर्नैल हो, चाहे वो कोई एक सियासी लीडर हो, चाहे वो कोई समाजी रहनुमा हो, वो यतीम हो, वो अमीर हो, वो गरीब हो, उसको वहां से अपनी जिंदगी के लिए कोई ना कोई वाक्या, कोई ना कोई हदीस जरूर मिल जाती है जिसके जरिए वो जिंदगी जी सकता है। तो इस तरह का एनालिसिस आप भी लिख सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, नई चीज ऐड नहीं की, वही चीज है, हुज़ूर सल्लम की जिंदगी से आप मिसालें देके इस चीज को साबित करते हैं। ये है थोड़ी सी बात इस्लामियात की। अभी इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो? हाँ, वो भी बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है? ये लिख लिया है ना अब आपने? मैं उसका भी आंसर देता ना, वो सवाल अटेम्प्ट में देता हूँ। अब सीएसएस में आपने कोई भी बात करनी है ना, कोई भी बात आपकी सब्सटेंटिव होनी चाहिए, उस बात के अंदर वजन होना चाहिए। उस बात के अंदर वजन कैसे आता है? अव्वल, या तो किसी बड़े शख्स ने वो बात की हो, दूसरा अगर आपने बात की है तो उसको किसी स्टैट किसी फिगर से आपने बैक करें। मैं कहता हूँ मुल्क के अंदर गुर्बत बढ़ रही है, मैं बता सकता हूँ कि पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स ने बताया है कि इस तो पिछले साल 32% थी, आज दफा बढ़ के 33% होगी। बात आप मानेंगे? क्योंकि मेरे पास प्रूफ है, करंट अफेयर के पेपर में, पाक अफेयर के पेपर में वो प्रूफ होता है, कोटेशन वो प्रूफ होती है, किसी ना किसी की रिपोर्ट, जिस तरह ग्रीन वॉच की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान जो है वो 8वें नंबर पर है पूरी दुनिया के अंदर क्लाइमेट चेंज में वल्नरेबिलिटी के ऊपर। ये एक आर्गुमेंट था। अब इस्लामियात में वो क्या होता है? इस्लामियात में कुछ स्टैट्स तो होते नहीं। इस्लामियात में क्या चीज होती है? इस्लामियात में होती है कुरानी आयत, हदीस मुबारका, किसी सहाबी का वाक्या, हजरत सल्लम की जिंदगी से वाक्या, या फिर किसी बड़े आलिम की कोई कही हुई बात, कोटेशन। तो इस्लामियात में आपने जो भी करना है, जो भी सवाल अटेम्प्ट करना है, उसमें इन चारों चीजों में से जरूर आपने बतानी है। आप फर्ज करें सवाल कर रहे हैं, बताते हैं कि जी सूद हराम है। अब इसमें पहला आर्गुमेंट क्या है? पहला आर्गुमेंट
आयत का आर्गुमेंट ये है कि अल्लाह ताला ने कहा कि सूद छोड़ दो वरना मेरे और मेरे नबी के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, ये आपका एक कुरानी आर्गुमेंट है। हदीस में आर्गुमेंट्स ये हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आज मेरे पांव के नीचे तुमसे पीछे वाले लोगों का सूद, तुमसे आगे वाले लोगों का सूद कुचल दिया मैंने, इनके सूद खत्म कर दिया, आज के बाद सूद नहीं चल सकता। बड़े जूरिस्ट के ऊपर आ जाए तो हम मुफ्ती तकी उस्मानी जो अभी भी हयात है उनकी बता सकते हैं कि वो उन्होंने सूद के खिलाफ एक अलहदा बैंकिंग सिस्टम का क्याम किया जिसको आज हम इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तीनों बातें आ गई। बाकी अगर हम सहाबा की जिंदगी से भी देखें तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास लोग अमानतें रख के जाते थे। अब वो एज ए बैंकिंग सिस्टम एक्ट कर रहे थे उस दौर में, लेकिन वो उससे कारोबार करते थे और जब वो अमानत लेने आते थे लोग उन्हें वो पूरा अदा करते थे, उसके ऊपर मुनाफा नहीं देते थे। और अगर कोई कहता था मेरे कारोबार में पैसे अपने शामिल कर लो तो मुनाफे और नुकसान का वो बराबर का हिस्सेदार होता था, फिक्स डिपॉजिट नहीं होता था। तो ये देखिए, अब मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी सिर्फ इस एक आर्गूमेंट की। खाली आप लिख देंगे ना सूद हराम है, बात तो ठीक है सूद हराम है, सूद बुरी चीज है, लेकिन आपकी बात कोई क्यों माने जब तक आप उसके साथ कोई एक सब्सटेंटिव चीज नहीं डालेंगे। तो ये आपने चीज बात रखनी है कि अपनी बात को मुदल्लिल बनाना है। ठीक है, मुदल्लिल किस तरह बनेगी, उसमें इस्तदलाल कैसे आएगा कि जब आप उसको किसी सॉलिड एविडेंस के साथ बैक करेंगे। इस्लामियात में सॉलिड एविडेंस है आयत, सबसे ऊपर आयत है, फिर अहदीस मुबारक, आयत के सबसे ज्यादा मतलब जिसको कह रहे हैं इम्पैक्ट है, फिर अहदीस मुबारक का इम्पैक्ट आता है, फिर सहाबा कराम की जिंदगी से, और फिर चौथे नंबर पे आता है किसी जूरिस्ट की बड़ी बात से। अब आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आपको जो चीज याद रखने में आसान होती है आपने वो कर लेनी है। मैं इन सबको मिक्स करता हूँ ताकि पेपर के अंदर ना वो थोड़ी सी क्या कह सकते हैं मोनोटोनस ना हो पेपर, और उसको पता चले कि इसको कुछ ना कुछ पता है। तो आप इन चारों में से किसी भी चीज को याद कर सकते हैं जो आपको आसान लग रही हो उस सवाल के मुतालिक। अब हम सवाल इस्लामियात का जो होता है ना वो फर्ज करें, अब ये हम पेपर में देख रहा हूँ 2021 का। अब 2021 के पेपर के अंदर सवाल आए हुए हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि वो सादा इस्लामिया से कैसे डिफरेंस है। अकीदा आखरत की वजाहत करें, इसके इंसानों के इनफरादी व इज्तमाई जिंदगी पर असरात लिखें। ठीक है, अब आपको आमतौर पर जो आपने पढ़ा है उसमें आपने अकीदा आखरत पर नोट ही पढ़े हुए ज्यादातर, अकीदा आखरत होता क्या है, आपने कभी उसके सोशल एस्पेक्ट के ऊपर नहीं पढ़ा जो उसने इस तरफ पूछ लिया। और वो सोशल एस्पेक्ट उसने इंडिविजुअल लाइफ का भी पूछा है, उसने कलेक्टिव लाइफ का भी पूछा है। अच्छा, अगला सवाल है, इस्लाम मर्द व खवातीन को तमाम मजाहब से बेहतर हकूक मुहैया करता है, या इस्लाम प्रोवाइड्स बेटर राइट टू मैन एंड वुमेन देन ऑल अदर रिलीजन, एक्सप्लोर विद आर्गुमेंट्स। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये आया आपका ह्यूमन राइट्स वाले टॉपिक के अंदर। तो आपने बताना है कि इस्लाम क्या क्या राइट्स प्रोवाइड करते हैं, और साथ में इस बात पे जोर देना है कि ये बातें इस्लाम ने आज से 450 साल पहले बताई। ये जब हम टॉपिक पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से थे। अच्छा, अगला सवाल देखें, कमेंट ऑन द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम रिगार्डिंग कोएग्जिस्टेंस इन अ मल्टी फेथ सोसाइटी। अब आप देखें ये करंट अफेयर्स का सवाल ज्यादा लगता है कि अगर किसी मुसलमान ने ऐसी जगह पे रहना है जहां बहुत सारे मजाहब के लोग रहते हैं जैसे इंडिया है या अमेरिका है या यूरोप है, तो वो कैसे रहे। ये आपके इस्लामियात के सवाल है। इस्लामोफोबिया इज अ साइन ऑफ एक्सट्रीमिज्म, गिव सजेशंस। अब ये इस वजह से बच्चे इसको ज्यादा फेल करते हैं कि ये पेपर जो है ना आपकी रटे का नॉलेज नहीं, रटे का पेपर नहीं है। आपने 10 हदीसें याद कर ली, अब इसके अंदर क्या आयत या हदीस लिखोगे, बहुत रेयर चांस है आपको कोई आयत या हदीस मिल जाए। 2 से 3 वाक्यात मिलेंगे इस्लामोफोबिया के मुतालिक, वो भी हजरत सलम की जिंदगी में। तो इस्लामोफोबिया जो था वो तो इंतहाई खतरनाक किस्म का था, ओजरी फेंक देते थे लोग, हमने किस तरह उसको करना है, उस चीज को हम रिलेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे कुरान पाक में तो कोई डायरेक्ट रिलेशन में नहीं ना लिखी हुई इस्लामोफोबिया के ऊपर बात। उसी के साथ रिलेट करके लिखना है, लेकिन आपने चूंकि ये इस्लामियात का पेपर है, करंट अफेयर का पेपर नहीं है, इस्लामियात की तरह ही लिखना है। इसमें आप बात करेंगे चूंकि मुसलमानों के बाकी मजाहिब के साथ
बहुत बुनियादी इख्तलाफात हैं, देर आर फंडामेंटल डिफरेंसेस विद अदर रिलीजियंस. वी बिलीव इन द वननेस ऑफ गॉड, वी बिलीव दैट नथिंग हैज बिगॉटन द गॉड एंड नथिंग हैज बिगेटेड फ्रॉम गॉड. ठीक है, तो जब हमें ये पता है तो इस वजह से हमारे साथ ईसाइयत के साथ इख्तलाफात पैदा होते हैं. फिर अगली बात यह है कि वी बिलीव दैट होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह. इस वजह से हमारे यहूदियों के साथ इख्तलाफात होते हैं, क्योंकि यहूदियों के मुताबिक नाउज बिल्ला भी आखिरी नबी नहीं आया, वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं उसका. तो हमने जब इस्लामियात की बात करनी है ना, तो हमने इस्लाम की और दीन के ऊपर बात करनी है. ये बातें ठीक है, 9/11 के बाद ज्यादा हुआ, मीडिया के पटरोए से या मीडिया के जिस तरह वो हमें लेबल करता है मुसलमानों को, उससे इससे इजाफा ही होता है. लेकिन चूंकि पेपर इस्लामियात का है, अपने एंगल हमेशा रिलीजियस रखने, हर बात को देखने के एंगल होते हैं ना डिफरेंट, तो इसमें हमारा एंगल रिलीजन ही होगा. तो ये अकीदे, इसकी वजह से हमारे उनके साथ इख्तलाफात हैं. उन इख्तलाफात को दूसरे लोग एक शिद्दत पसंदी के साथ इजहार करते हैं, दूसरे मजहब के लोग. हाँ जी, चले मैं वो भी एक्सप्लेन कर लेता. ठीक है, अभी आपको बात समझ आ गई कि ये पेपर थोड़ा सा आपके एनालिसिस का पेपर होता है, लेकिन रिलीजियस एनालिसिस का, आपके करंट अफेयर्स के एनालिसिस का नहीं होता. आपने इस्लामोफोबिया जो एसए के लिए तैयार किया हुआ या पाक अफेयर में तैयार किया हुआ, वो इसमें नहीं लिख सकते आप. अच्छा, अब वो पास पेपर वाले वो बात मैं आपको कर देता हूँ. ये वाला रूल आप हर पेपर में लगा सकते हैं तैयारी करने के लिए ना. आपने पेपर डाउनलोड करने लिखने ऊपर 2016 से पहले के नहीं करने, 2016 में सिलेबस चेंज हुआ था तो उससे पहले के आपके लिए कोई फायदा मंद नहीं है. आपने पेपर डाउनलोड करने, उस पेपर में तरीका ये होता है कि मैं एक पेज लेता हूँ, पहला सवाल लिखा, जिस तरह आज इधर एक सवाल है जी, सुलह हुदैबिया बहैसियत अमन मुआहदा. ये नोट आया हुआ है, नोट लिखें. ठीक है, अब मैं ये देखूंगा ये सवाल आया है 2021 में. फर्ज करें कि ये सवाल आया है 2021 में आया, इसके आगे मैं लिख दूंगा फिर 2017 में आया या 16 में आया, इस तरह 2016 वाले पेपर के मैं पहले सारे सवाल लिखूंगा, जो सवाल नया आता है उसको लिख लिया, जो पहले दोबारा रिपीट हुआ उसको ऊपर लिख लिया, इस तरह के ये जी 17 में पहले आया, अब 17 में दोबारा आ गया, ये 21 में दोबारा आ गया. इस तरह आपके पास ना कोई हर पेपर में आते हैं 7 सवाल, 7 में से 4 सवाल मैक्सिमम चांस होता है कि वो रिपीट हो जाएंगे इस्लामियात के, और पीएमएस में तो और भी ज्यादा चांस होता है. मैं भी पीएमएस की तरफ आऊंगा, अभी जो बातें सारी हो रही है ना, ये सीएसएस के रिलेटेड हो रही है. तो आपने इस तरह एक 2 पेजेस पे ऊपर ना आपका 16 से लेके 17, 18, 19, 20, 21 5 सालों के ये आपके पेपर आ जाएंगे. उन पेपर से आपको अब इससे अंदाजा क्या हो गया, अफर्त करे सुलह हुदैबिया 3 साल पेपर में आया है ना लगातार, आपको पता चल गया कि ये टॉपिक उसको बहुत पसंद है, तो आपने इस टॉपिक को ज्यादा अच्छा तैयार कर लिया, आपने आगे सवाल लिखे हुए ना. अब अगर आप खाली सवाल लिख लेंगे, 7-7 सवाल हर पेपर के लिखते रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा सवाल इसमें बार बार आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट समझे. उसके साथ आगे सन लिख लें, उसका ये लिख लें अपीयरेंस का, या फिर स्टार बना लें, कुछ कर लें आप. ठीक है, ये आपके ऊपर है कि जी ये उतने स्टार ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. 2 दफा आया तो 2 स्टार है, 3 दफा आया तो 3 स्टार है, ये भी एक तरीका है. इस तरह आपने ना इस्लामियात में ऐसे करना है, पाकिस्तान अफेयर्स में भी ऐसे ही करना है, करंट अफेयर्स में भी ऐसे ही करना है, सब पेपर में आपने ऐसे करना है, कुछ ना कुछ सवाल जरूर रिपीट होते हैं. दूसरी तरफ अगर हम चलें पीएमएस के ऊपर, नहीं नहीं टॉपिक्स आपने सारे करने हैं. देखे कुछ नहीं, जो मैंने आपको बुक्स रिकमेंड की हैं, ये अच्छा कि आपने मुझे याद करा दिया, मैं उस वक्त बात करना ये भूल गया, आपने वो सारी किताबें नहीं पढ़नी. अब जैसे इंट्रोडक्शन टू इस्लाम है ना, हमीदुल्ला की बुक, आप उसके साथ लिख लें, उस बुक का जहां आपने नाम लिखा है ना, इंट्रोडक्शन टू इस्लाम बाय हमीदुल्ला, उस बुक के साथ लिख लें कि इसमें से आपने टॉपिक कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के, विमेन राइट्स के. ये मैं अभी दोबारा ये कार्य देता हूं, उर्दू वाले के भी बताता हूं मैं. इंट्रोडक्शन टू इस्लाम बाय हमीदुल्ला से
आपने करने हैं ह्यूमन राइट्स, विमेन राइट्स, सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम, ठीक है, ये वाले टॉपिक उसके अंदर बहुत अच्छे लिखे हैं, ये आपने करने हैं। और एक और टॉपिक है उसके अंदर जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, ये इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, विमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ये वाले टॉपिक हमीदुल्ला की बुक में बहुत अच्छे लिखे हैं। जो खुर्शीद अहमद की बुक है इस बुक के अंदर इस्लाम एंड द वर्ल्ड वाले टॉपिक्स ज्यादा अच्छे लिखे हैं। इस्लाम इट्स मीनिंग एंड मैसेज बाय खुर्शीद अहमद, अभी मैं इंग्लिश का बता रहा हूं, उर्दू का नहीं बताया। इसलिए मैं इस्लाम एंड वर्ल्ड वाले जो टॉपिक्स है ना वो ज्यादा अच्छे लिखे हुए, क्योंकि ये बेसिकली बुक खुर्शीद अहमद की नहीं लिखी हुई, उसमें मुख्तलिफ इस्लाम के जो मसाइल है ना उनके ऊपर हर ज्यूरिस्ट या किसी आलम ने अलहदा एक टॉपिक दिया हुआ है, आर्टिकल लिखा हुआ है, कंपाइलेशन है आर्टिकल्स, तो आपने उसमें से ये कर लेने। उर्दू में इसी तरह ये वाला इंट्रोडक्शन टू इस्लाम जो लिखे ना, ये ह्यूमन राइट्स वगैरह, ये आपने कर लेने हैं उसमें से, इस्लामी नजरिया हयात में से, ये दोनों इस्लामी नजरिया हयात में मौजूद है उर्दू वालों के लिए। इस्लामी नजरिया हयात बाय खुर्शीद अहमद, उनकी मेरे ख्याल तीन जिल्दें हैं उस किताब की, एक किताब नहीं है इस्लामी नजरिया हयात बाय, उसके तीन के दो वॉल्यूम है। हाँ, उर्दू में सिर्फ एक ही है इस्लामी नजरिया हयात, इंग्लिश में दो हैं। हाँ जी, इस्लाम एंड वर्ल्ड, हाँ इसमें यही वाला है, इस्लाम एंड वर्ल्ड है, और हाँ ट्रांसलेशन ही बोला किताब है खुर्शीद अहमद। हाँ, और जो है ना वो वाले टॉपिक इंट्रोडक्शन टू, सिंपली इंट्रोडक्शन है, वो करीमदार चुगताई से कर लें उर्दू में या इंग्लिश में, या फिर वर्ल्ड टाइम्स की बुक से कर लें। जो पहले दो टॉपिक हैं, सीरा के टॉपिक और इंट्रोडक्शन के टॉपिक, सीरा और इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक्स आपने इसमें से कर लेने हैं। आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी इसी में से हो जाएगी, इसमें से, ठीक है, खुर्शीद अहमद वाली बुक से। उर्दू में वो दोनों हिस्से इसमें से हो जाएंगे, एक ही बुक से हो जाएंगे, इस्लामी नजरिया हयात से, और सीरा और इंट्रोडक्शन वाला होगा करीमदार चुगताई और वर्ल्ड वर्ल्ड टाइम की, किसी भी बुक से आप कर लें जो आपको आसान लगे करने। उसमें से इस्लामी नजरे हाथ उर्दू वालों के लिए, और इंग्लिश वालों के लिए इस्लाम इट्स मीनिंग एंड मैसेज बाय खुर्शीद अहमद। उसी में से करीमदार चुगताई वर्ल्ड टाइम, तो आपने दो किताबें लेनी है उर्दू वालों ने, तीन किताबें लेनी है इंग्लिश वालों ने। हमें दो करीमदार चुगताई, सॉरी, जो खुर्शीद अहमद की इस्लामी नजरियात की ना, वो एक किताब नहीं है, वो एक किताब की तीन वॉल्यूम है बेसिकली। हाँ जी, और ये किताबें खरीदने के बाद आप ले आएंगे, मैं आपको उस दिन टेबल ऑफ कंटेंट्स में से निशान लगा दूंगा कि ये टॉपिक करना है, तो अगले लेक्चर में आप इस तरह करेंगे, ये किताबें ले आएंगे। ये मैं सोचा था कि जरूरत शायद आज ना पड़े, लेकिन ये आप कर लीजिएगा, मैं आप ले आइएगा, मैं बता दूंगा जी फलां टॉपिक कर लें, सारी किताबें नहीं है पढ़नी, अच्छा मैंने आपको नोट्स बताने का बता दिया, और ये किताब के अंदर से मैंने आपको ये बातें बता दी हैं। हाँ जी, हाँ जी, इंग्लिश में भी वही है, उर्दू में भी वही है, एक ही है। हाँ, करीमदार चुगताई की इंग्लिश वाली किताब लेना, पता चले उसकी उर्दू वाली किताब ले आना। हाँ, ये लिख लें पहले आप सारा।
ये आप अपनी राइटिंग में लिख लिया करें, मैं जरा राइटिंग का कच्चा हूँ तो वो जरा खताती मेरा फोर्ट है नहीं है। ठीक है मैं ये इरेज कर रहा हूं। अब जो है कि पीएमएस और सीएसएस दोनों का सिलेबस सेम है लेकिन पेपर की डायमेंशन डिफरेंट होती है। पीएमएस में ज्यादातर चीजें जो है ना रटी रटाई आती हैं, उसमें ना इतना कोई वो खास एनालिसिस नहीं मांग रहा होता। जिस तरह सवाल आया हुआ है दीन और मजहब में क्या फर्क है, दौरे हाजिर में मजहब की जरूरी अहमियत बताएं, ये एक रटे वाला सवाल है, सिंपली आपको किसी भी की बुक में से मिल जाएगा, आसान सा ये सवाल होता है। उसमें आपका एनालिसिस नहीं होता, उसमें बेसिकली आपका नॉलेज चेक होता है। जिस तरह यहाँ पे सवाल आया हुआ था कसीर अल मजहबी माशरे में, अच्छा जी, कसीर अल मजहबी माशरे में बकाए बाहमी की इस्लामी तालीमात का खुलासा बयान करें, ठीक है। या फिर ये मैं आपको सवाल अभी करके दिखा देता हूँ कि ये एनालिसिस और नॉलेज में क्या फर्क होता है। कमेंट ऑन टीचिंग्स ऑफ इस्लाम regarding coexistence in a multi-faith society, ठीक है। उर्दू में इसका जो तर्जे कसीर उल मजहबी माशरे में बाहमी बकाए बाहमी के साथ रहने के मुतालिक इस्लामी तालीमात बयान। मैंने आपको पहले बताया कि आपका इसमें एनालिसिस नहीं आएगा, इस्लाम मुकम्मल हो गया, आपने बेसिकली अपना नॉलेज बताना है जो आपको चीजें याद है। आपको पता है कि जब मदीना में रह रहे थे हुजूर सल्लम, तो मदीना की उस टाइम कंपोजिशन क्या थी, उसमें अंसार के दो कबीले थे, यहूदियों के कबाइल थे, कुछ ईसाई भी रहते थे, फिर मुहाजरीन भी रहते थे जो मक्का से आ रहे हैं। क्या ये एक मल्टी फेथ सोसाइटी नहीं बन जाती? अंसार में से कुछ लोग पक्के मुसलमान थे, कुछ लोग मुनाफिकीन थे, अच्छा मुहाजिर में से ज्यादातर लोग मुसलमान ही थे, फिर ऐसे भी मुसलमान थे जो दूर दूर से आए होते, हजरत सुहेब रूमी रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु, इतने दूर दराज इलाकों से आए हुए थे, अच्छा फिर वहीं पर यहूदी रहते होते थे, ज्यूज के कबाइल रहते थे ओस और खिज़र, ईसाइयों के कुछ कबाइल रहते थे करीबी। तो अब ये एक मल्टी फेथ सोसाइटी बन गई ना, हम वहां से मिसालें उठाएंगे और बताएंगे कि किस तरह रहना है इस्लाम के मुताबिक। पहली मिसाल देते हैं दूसरों के मजाहिब का एहतराम, इसके मुताबिक मैं आपको आयत बताता हूँ कि अभी आप लिखे ना, मैं अभी जब टॉपिक करेंगे तब डिटेल में कर लेंगे, अभी आप समझ लें इस चीज को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब इसके मुताबिक एक आयत है, डू नॉट अब्यूज दोज हू दे कॉल अपॉन बिसाइड मी, उन लोग उन चीजों उनकी तजलील मत करो जिनको वो मेरे अलावा पूछते हैं। ये आयत है कुरान पाक की, यानी कि हमारे ऊपर अल्लाह ने क्या वाजिब कर दिया कि हम किसी भी जो मजहबी चीज है उसका एहतराम करना है, चाहे वो क्रिश्चियंस की, बेशक वो क्रिश्चियंस शिर्क भी कर रहे हैं, हमने उसका एहतराम करना, ठीक है। हाँ वो गलत होता है, बुत शिकनी गलत है, चाहे वो महमूद गजरवी ने की हो किसी ने भी की हो। हुजूर सल्लम ने जो बुत शिकनी की है उसका सिर्फ एक ही वाकया हुआ है मक्का का। क्यों है वो वाकया? क्योंकि मक्का के जो जगह थी हज की जगह वो हमारी थी, वो बेसिकली उन्होंने कब्जा किया हुआ था। समझ आई बात आपको? सिर्फ हमें एक ही वाकया मिलता है इस्लाम के अंदर बुत शिकनी का, असली इस्लाम के अंदर, मलुकियत वाले इस्लाम के अंदर नहीं। तो आपको पता चल गया मल्टी फेथ में पहले रहने के, आपकी बात क्लियर होगी ना, आपने कोई नई बात नहीं याद की, पहले से मौजूद थी आपने बता दी, उसको कलेक्ट किया। फिर दूसरा बताना है कि आपने तमाम लोगों को साथ लेकर चलना है और उनको उनके हकूक देने हैं। मिसाके मदीना की मिसाल देते हैं, उसमें मिसाल है कि आपने सबको किस तरह
सबकी जो है दिफा कलेक्टिव होगा, सबके राइट्स होंगे, एक वो कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का बन जाता है। अच्छा, इसी तरह तीसरी मिसाल दे देनी है कि जब आप दूसरे मल्टा फेज या किसी दूसरे मजहब के उसको क्या नाम है कॉन्कर करते हैं इलाके को, तो आपने उसकी हिफाजत करनी है, उधर के चर्चेस की, उधर के सैनिगॉग्स की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का खुतबा याद रखना है कि तुमने दरख्तों की, औरतों की, खेतों की, ये पूरी एक लिस्ट उन्होंने बताई थी अपने फौजियों को कि इनको अटैक नहीं करना, ठीक है, तुमने दरख्तों को गिराना नहीं, तुमने खेतों को जलाना नहीं, तुमने घरों के दरवाजे नहीं तोड़ने, तुमने चर्चों को मसमार नहीं करना, ठीक है। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का हुक्म था। इसी तरह एक और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि कोई शख्स अगर किसी जिम्मी को कत्ल करता है तो वो, सॉरी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है, कोई शख्स अगर किसी जिम्मी को कत्ल करता है तो वो जन्नत की खुशबू से भी दूर हो जाएगा, हालांकि जन्नत की खुशबू तो हजारों मील दूर से भी सूंघी जा सकती है। यह अब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है, आप इसे सब्सटेंशिएट कर सकते अपनी बात। ये वो बातें हैं जो मल्टी फेथ सोसाइटी के अंदर को एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी होती हैं, दूसरों का एहतराम, दूसरों के राइट्स देना और फिर ड्यूटीज अपनी निभाना। तो आपने इस्लामियात के अंदर एनालिसिस नहीं, नॉलेज पे रहा, ठीक हो गया बात। अच्छा, अभी मैं आ रहा था पीएमएस वाले के ऊपर कि पीएमएस के अंदर ना ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए होता, ठीक है, क्यों नहीं चाहिए होता। अब उसमें जो सवाल आए हुए हैं कि जी दीन और मजहब में क्या फर्क है, ये एक रटा रटाया सवाल है जो आपको क्रेन दाद चुकता है, वर्ल्ड टाइम से समझ जाए, ये घिसा पिटा एक सवाल है। अच्छा जी, ज़कात की फर्जियत बयान करें, माशरे में से गुर्बत का खात्मा कैसे हो सकता है, ये भी एक घिसा पिटा सवाल है, चलता आ रहा है। रियासत मदीना के तनाजों में रसूल सल्लम की इंतजामी और सफारती कामयाबियों पर, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसमें से आपने चार सवाल करने होते हैं तो मैक्सिमम सवाल जो है ना पीएमएस के अंदर वो नॉलेज के नहीं आते, वो रटे के आते। सीएसएस के अंदर मैक्सिमम सवाल आते हैं नॉलेज वाले, अगर उधर कह लें कि सीएसएस में 80% आएंगे नॉलेज के, 20% आएंगे रटे के, पीएमएस में उल्टा होगा, रटे के होंगे और उसमें। इसलिए आपने दोनों को अच्छी तरह से याद करने और ताकि आप पेपर में अटेम्प्ट कर सकें। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ना, ये सारी टेंटेटिव है, अब तक ऐसा हो रहा है, जरूरी नहीं है कि आपके दफा पेपर में ऐसा ही हो, वो ट्रेंड चेंज कर देता है, उसकी मर्जी है, वो बदमाश आदमी है भाई, उसके हाथ में पेपर है, वो चाहे जो मर्जी करे उसके साथ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सही कह रहे हैं। देखिए, अब इस्लाम में औरत का मकाम, इश्तिहार, इस पे नोट लिखे हैं, ये वो बातें जो रटी रटाई हैं, एक सॉलिड बातें, इसमें कोई ऐसा कोई नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती। इस्लामिक, अच्छा हाँ, इस्लामिक हिस्ट्री एंड लिटरेचर जो है वो इस्लामिक स्टडी से डिफरेंट है, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक है, जो वो सब्जेक्ट है ना वो बेसिकली इस्लाम की पूरी हिस्ट्री के ऊपर है, उसमें खुलफाए राशिदीन भी आएंगे, उसमें उमैया डायनेस्टी, अब्बासी डायनेस्टी, ममलूक डायनेस्टी, फातिमा खिलाफत, इस तरह की सारी चीजें आएंगी। उसका इस्लाम के साथ इतना ज्यादा रिलेशन नहीं है, इस्लाम के एज ए इस्लामिक सिविलाइजेशन किस तरह हिस्ट्री में गुजरी, जिस तरह यूएस हिस्ट्री है, उस तरह का वो सवाल होगा। तो इस्लामिक स्टडीज के अंदर हिस्ट्री का बहुत कम पोर्शन आता होता है, हिस्ट्री वाले जो सवाल होते हैं ना, हजरत अली या हजरत उमर के ऊपर सवाल आता होता है, हजरत अबू बकर के ऊपर भी सवाल आ जाता है, तो वो भी बेसिकली इस्लाम के किसी तनाजुर में होगा कि जी उनकी इंतजामी सलाहियत, उनकी बुर्दबारी, उनकी अदल व इंसाफ, इस तरह की चीजों के ऊपर आ जाएगा, यानी कि फिर आपका टॉपिक सिलेबस से ही कवर करेगा, उस सिलेबस में आपके शामिल है चारों खुलफाए राशिदीन भी, ठीक है। ये आपको मेरे ख्याल में ये इस्लामिक स्टडीज का क्लियर हो गया होगा। इसी तरह इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस भी इससे डिफरेंट है, जो इस्लामी फिके का सब्जेक्ट है, वो बेसिकली एक लीगल सब्जेक्ट है, जिस तरह आईला पढ़ेंगे ना जो लोग, या फिर लॉ सिंपल जो पढ़ते हैं, वो उस तरह का सब्जेक्ट है, वो इस्लामिक स्टडीज का सब्जेक्ट नहीं है। ठीक हो गया, मेरे ख्याल इंट्रोडक्शन के लिए ये काफी है। किसी का कोई क्वेश्चन हो ऑनलाइन या ऑफलाइन? ये मुझे अब आइडिया नहीं है, ये आप मैडम से पूछेंगे कि किस तरह क्लासेस का शेड्यूल बनेगा, वो आपको बता देंगी। आपका क्वेश्चन है?